पहाड़ों के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का साथ देने का वादा किया है। किसानों ने अपनी और पहलवानों की मांगों को पूरा किए जाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उप जिला अधिकारी डोईवाला को किसानों की विभिन्न समस्याओं व जंतर मंतर पर बैठे देश के पहलवानों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में देश के पहलवान शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, जिसमें महिला पहलवान भी हैं। देश में बैठी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उन बेटियों पर लाठी चार्ज करवा रही है, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई और देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, आज उनका सरकार उत्पीड़न कर रही है। किसान नेता उम्मेद बोरा ने कहा कि बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, मगर कोई अधिकारी अभी तक देखने तक नहीं आया। जंगली जानवर किसानों की फसल खराब कर रहे हैं, मगर वन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने ज्ञापन देकर किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। नेशनल लेवल की मांगे हैं, इसमें वो भी सम्मिलित हैं। जैसे कि पूरे देश को मालूम है कि हमारी जो योग्य खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर काफ़ी लंबे समय से धरना दे रही हैं और पिछले दिनों पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जबरन उनको उठाना चाहा। ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसका संयुक्त किसान मोर्चा डोई वाला निंदा करता है और अभी अभी हमने SDM साहब को ज्ञापन भी दिया है। जंतर मंतर में बैठे हैं उनको न्याय दिया जाए, बीज भूषण की गिरफ्तारी किया जाए, ये हमारी मांग रही है। और जो खिलाड़ी हैं उनको न्याय दिया जाए, उनके देश के हित के लिए कार्य करा उन्होंने और देश का नाम रोशन करा, आज वो सड़कों पर है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का। दूसरा हमारा ज्ञापन था कि जो हमारे जंगली जानवर हैं, अभी वर्षा हुई है मौसम विभागों की वर्षा, किसानों का बहुत नुकसान हुआ, ना ही वन विभाग वहाँ पर पहुँचा है हाथियों जैसे जंगली जानवरों का नुकसान हो रहा है, ना कृषि विभाग के कोई कर्मचारी या अधिकारी ग्राउंड तक पहुँचे जिन्होंने आकलन किया है। हमने SDM साहब से फ़ोन पर ही वार्ता करी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।